काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड हैं और जिसके ऊपर कैपेसिटेंस की प्रॉब्लम्स और कैपेसिटेंस के न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो कैपेसिटेंस की प्रॉब्लम्स आती हैं कंपटीशन के अंदर आती हैं, एनसीईआरटी के अंदर बेसिक आती हैं, कंपटीशन में बहुत नीट और मेंस में बहुत आता है। जिस टॉपिक को क्या बोला जाता है, कॉमन पोटेंशियल। क्या है कॉमन पोटेंशियल? कॉमन पोटेंशियल है कि सपोज करो आपके पास एक कैपेसिटर है, मान लो आपके पास एक कैपेसिटर है, जिसकी कैपेसिटेंस C1 है। आपके पास एक और कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C2 है, और ये दोनों प्लेट्स V1 पोटेंशियल डिफरेंस पे हैं, ये दोनों प्लेट्स V2 पोटेंशियल डिफरेंस पे हैं। तो V1 V2 अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस है, जैसे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, जैसे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपके सामने दो कैपेसिटर चार्ज कैपेसिटर्स हैं, अलग अलग चार्ज है। इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, Q1 इज इक्वल टू कितना, C1 इंटू V1। इसके ऊपर कितना चार्ज है, Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V2। क्लियर है यहां तक? मैंने क्या किया, इन्हें ज्वाइन करना है, मैंने इन्हें ज्वाइन किया, ये पॉजिटिव और ये दूसरा कैपेसिटर, ऐसे पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव प्लेट को नेगेटिव के साथ मैंने ज्वाइन किया, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंट था। एक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V1, एक का कितना है V2। चार्ज मूव करेगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल कैपेसिटर टू अ लोअर पोटेंशियल कैपेसिटर, चार्ज मूव करेगा। कब तक? जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता, सेम। तो अगर ये V1 पोटेंशियल डिफरेंस पे था, ये V2 पोटेंशियल डिफरेंस पे है, तो थोड़ी देर के बाद पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दोनों में एग्जैक्टली क्या हो जाएगी, सेम। तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। ये जो V दोनों में कॉमन आएगा, सेम आएगा, इसको बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉमन पोटेंशियल किसे बोलते हैं, कि पहले पोटेंशियल V1 V2 ज्वाइन करने के बाद V एंड V, क्योंकि पोटेंशियल को तो सेम होना ही है, क्योंकि चार्ज मूव करना शुरू हो जाएगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल, तो ये कॉमन पोटेंशियल। ये मुझे निकालना है, इसको निकालने के लिए चार्ज की वैल्यू, जो पहला कैपेसिटर था जब मैंने इनकी शेयरिंग नहीं की थी, तो चार्ज क्या था, C1 V1, चार्ज की वैल्यू इसमें कितनी है, C2 V2। अब इस पे चार्ज क्या हो जाएगा, C1 V, इस पे चार्ज क्या हो जाएगा, C2 V। चार्ज हवा में तोड़ेगा नहीं, रहेगा तो कैपेसिटर्स के बीच में ही। तो इसका मतलब टोटल चार्ज दोनों कैपेसिटर्स का और टोटल चार्ज दोनों कैपेसिटर्स का सेम। तो टोटल चार्ज इन दोनों का कितना है, C1 V1 C2 V2। टोटल चार्ज इन दोनों कैपेसिटर्स का क्या है, C1 V और C2 V। इक्वेट कर दिया हमने, तो यहां से V की वैल्यू कॉमन निकाल के क्या आएगी, C1 V1 plus C2 V2 divided by C1 plus C2। दिस इज दी वैल्यू या एक्सप्रेशन फॉर कॉमन पोटेंशियल। पॉइंट क्लियर है यहां तक? कॉमन पोटेंशियल क्या है, कॉमन पोटेंशियल का मतलब जो दो कैपेसिटर को ज्वाइन करेंगे उनका जो पोटेंशियल कॉमन आएगा उसकी वैल्यू हमें निकालनी है, और यही इसमें निकाल रखी है। अगर आप चेक करेंगे, ये देखो आपके असाइनमेंट में, बिफोर शेयरिंग कैपेसिटेंस कितना है, C1 V1 plus C2 V2, आफ्टर शेयरिंग कैपेसिटेंस कितनी है, C1 V एंड C2 V। दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, इक्वेट करके जो वैल्यू आई वो क्या कहलाई जाएगी, कॉमन पोटेंशियल। तो ये एक और फॉर्मूला नोट कर सकते हैं आप कॉमन पोटेंशियल का। तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बनेगा, C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? हाँ, अगला पॉइंट ये, आपने एक चीज नोट की, पहले कैपेसिटर्स में पोटेंशियल V1 एंड V2 था, अब पोटेंशियल V एंड V है। तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में सेम आ गया V एंड V, इसका मतलब बोथ कैपेसिटर्स आर नाउ कनेक्टेड इन पैरेलल। तो जब कैपेसिटर्स कॉमन पोटेंशियल अटेन करते हैं, वो सीरीज में कभी भी कनेक्टेड नहीं रहेंगे, वो ऑटोमेटिकली किस में आ जाएंगे, इन पैरेलल आ जाएंगे। क्या ये पॉइंट भी क्लियर है? तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। हाँ, ऐसा भी कई बार लिखा होता है कि अगर ये मान लो C1 V1 C2 V2 की बात करें, तो C1 V1 को लिख सकते हैं Q1, चार्ज पहले कैपेसिटर पे बिफोर शेयरिंग, C2 V2 को क्या लिख सकते हैं, Q2 डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, C1 प्लस
सी टू, क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो ऐसा भी फॉर्मूला बनेगा कॉमन पोटेंशियल का, कई बुक्स ये यूज करेंगे और कई बुक्स ये यूज करेंगे, कोई डाउट इसमें? यहां तक क्लियर है? तो आप कॉमन पोटेंशियल निकाल लें जरा। सपोज करो आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा गिवन है, मान लो ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर के ऊपर, इस कैपेसिटर के ऊपर C1 की वैल्यू 10 माइक्रोफेरेड है और पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स के बीच में 10 वोल्ट है। एक और कैपेसिटर है, अनचार्ज्ड है, चार्ज ही नहीं है, और कैपेसिटी कितनी है? 5 माइक्रोफेरेड है। जब मैं इन्हें ज्वाइन करूंगा आपस में तो फाइंड कॉमन पोटेंशियल, फाइंड कॉमन पोटेंशियल, तो क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे, C1 into V1 plus C2 into V2 divided by C1 plus C2। तो कॉमन पोटेंशियल विल बी इक्वल टू C1 की जगह 10 माइक्रोफेरेड, V1 की जगह 10, C2 की जगह 5, V2 0। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस था ही नहीं, इसके ऊपर चार्ज ही नहीं था। डिवाइडेड बाय C1 कितना है? 10, C2 कितना है? 5। तो यहां से V ऑफ C विल बी इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 15 वोल्ट इज दी आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कॉमन पोटेंशियल कैसे निकलेगा, कोई डाउट इसमें? ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो ऑनलाइन वालों को क्लियर है? कूलम में करेंगे ना सर चेंज? फिर से बोलो।